आज धरती से डायनासोर्स को विलुप्त हुए 680 लाख साल गुजर चुका है, लेकिन इस विशाल प्राणी के बारे में हमें कुछ सालों पहले ही पता चला, जब 1861 में डायनासोर्स का पहला फॉसिल मिला। और आज जब इस कंकाल को म्यूजियम में खड़े देखते हैं, तो इस विशाल प्राणी के सामने खुद को एक चींटी सा महसूस करते हैं। वरना आजकल तो हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगा रहता है। वैसे आपके भी दिमाग में इस तरह के सवाल तो कभी ना कभी जरूर आए होंगे कि क्यों इस तरह का एस्ट्रॉयड फिर दोबारा धरती से नहीं टकराया, या क्या होता अगर ये एस्ट्रॉयड आज हमारे धरती से टकरा जाए, और क्या हम इतने हाईटेक हो चुके हैं कि इस तरह के एस्ट्रॉयड को नष्ट कर सके, और वो एस्ट्रॉयड जिसने डायनासोर्स को मारा था वो धरती के बजाय समुद्र से टकरा जाता तो क्या होता। इस तरह के कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। सालों बाद इस एस्ट्रॉयड से बनने वाले गड्ढे के बारे में हमें पता चला। 1978 में चिक्सुलप क्रेटर को ढूंढा गया। ये वही जगह है जहां उस विनाशकारी एस्ट्रॉयड का टकराव हुआ था, जिसका प्रभाव इतना प्रभावशाली था कि अगर उसे आज के सबसे पावरफुल मैनमेड बॉम्ब से मुकाबला करे तो उससे कम से कम 20 लाख गुना ज्यादा ताकतवर था। तभी तो डायनासोर्स जैसे जीव भी इसके चपेट में आने से 70% तक खत्म हो गए। पूरी पृथ्वी में भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी, धुंध के बादल जिसने सूर्य की रोशनी को आने जाने से रोक दिया, इन सब से भी दम घुटकर बाकी बचे कुछ बड़े जीव ने भी अपनी जान गंवा दिया। लेकिन अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से ना टकराकर पृथ्वी की सबसे बड़ी समुद्र प्रशांत महासागर के बीचों बीच टकराती तो क्या होता। सवाल तो अच्छा है, लेकिन अगर वो प्रशांत महासागर है तो हमें कुछ ज्यादा खतरनाक नतीजा नहीं देखने को मिलेगा। जब ये एस्ट्रॉयड अपने फुल स्पीड से आकर समुद्र की सतह को चीरते हुए सीधा तल तक जा पहुंचेगी, वो भी कुछ माइक्रोसेकंड्स के अंदर, जिससे ज्यादा से ज्यादा सुनामी और समुद्री जीव को नुकसान होगा, लेकिन वो डायनासोर्स को खत्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, डायनासोर्स का खात्मा एस्ट्रॉयड के टकराने से नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी का वातावरण में बदलाव और प्रदूषण ने इनकी जान ले ली थी। और जब यही एस्ट्रॉयड महासागर से टकराता तो आज शायद ये विशाल जीव जीवित होते। लेकिन फिर हम इंसान, इतने बड़े जीव के बीच हम इंसानों का तो कोई नामो निशान भी नहीं बचता, यानी पृथ्वी बिल्कुल अलग होती। अब जरा इस बात पर भी गौर करते हैं कि क्यों सिर्फ एक बार ही इतना बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराया जिसने पूरे डायनासोर्स की प्रजाति को खत्म कर दिया, तो एक छोटे से कार से लेकर विशाल पर्वतों के आकार का एस्ट्रॉयड धरती के वातावरण में तो घुसते ही रहता है, लेकिन ये 10 से 20 किलोमीटर के डायमीटर वाले एस्ट्रॉयड कम से कम 3 बार धरती से टकरा चुके हैं, लेकिन 8000 लाख साल के अंतराल में। डायनासोर से जुड़ी इस एस्ट्रॉयड को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी के इतिहास में एक और ऐसी घटना घट चुकी है। आज से लगभग 22 लाख साल पहले, उस समय पृथ्वी में इंसानों की शुरुआत हो चुकी थी। वो लोग साउथ अफ्रीका में रहते थे, और ये एस्ट्रॉयड जिसकी डायमीटर 2 किलोमीटर थी, वो एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के बीच में गिरा था। लेकिन साउथ अफ्रीका में रह रहे लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला था। आज हमारे पास कई तरह की हाईटेक वेपन्स मौजूद है, और हर देश इन्हें बनाकर खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनाने में लगा हुआ है। लेकिन जब ऐसी कोई आपदा हम पर आ गिरेगी तो क्या हम उसे नष्ट कर पाएंगे, या फिर हमारा भी वही हाल होगा जो इन डायनासोर्स का हुआ था। इस सवाल पर गौर करें तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि हम किसी ऐसे चट्टान को नष्ट करने की बात कर रहे हैं जिसका डायमीटर कम से कम 10 किलोमीटर से ज्यादा होगा, यानी सभी औजारों को छांटते हुए हमारे पास सिर्फ बचा न्यूक्लियर वेपन। उस विशाल एस्ट्रॉयड को नष्ट पृथ्वी से लाखों लाखों किलोमीटर दूर करना होगा, ताकि धरती का एक छोटा सा भी हिस्सा प्रभावित ना हो। यानी कम से कम 2 साल तो हमारे आज के हाईटेक रॉकेट को भी वहां तक पहुंचने में लग जाएगा। यानी हम अपने न्यूक्लियर वेपन को आज के आम रॉकेट से लॉन्च नहीं कर सकते हैं, उसमें बूस्टर लगा होना जरूरी है ताकि वो समय पर निशाना हिट कर सके, या फिर चूक भी सकता है। यानी इस एस्ट्रॉयड का पता कम से कम 4 साल पहले तो लगाना जरूर होगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो ये अभी मुमकिन तो नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद मुमकिन हो, जिसका मतलब है कि अब भी हम इंसानों पर खतरा है। कुछ रशियन एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट एलेक्सी तुर्चिन ने पिछले कुछ सेंचुरीज की स्टडी करने के बाद कहा था, पृथ्वी में जिंदगी का नामो निशान मिट सकता है, लेकिन उस एस्ट्रॉयड का साइज कम से कम 60 किलोमीटर होगा, तभी ये मुमकिन है। और आपको याद होगा कि जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स को नष्ट किया था उसका डायमीटर 10 से 20 किलोमीटर था। हाँ, तो अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल था कि क्या होगा अगर आज ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा जाए, तो जवाब आपके सामने है। इंसान पूरी तरह से विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन जो तबाही मचेगी वो असहनीय होगी।
और अगर वो फिर से धरती पर आज उसी जगह गिरे जहां वो डायनासोर्स के वक्त पर गिरी थी, तो लगभग मेक्सिको, सेंट्रल एशिया और यूएस का साउदर्न टायर एक चुटकी में नष्ट हो जाएगा। यानी लगभग 285 करोड़ लोग एक झटके में राख के बजाय धुआं बन जाएंगे। अगर आप सेंटर पॉइंट से 200 किलोमीटर दूर हैं, तो आप एक आग का गोला देखोगे जो सूर्य से 242 गुना ज्यादा बड़ा होगा और उसके हीट से आपके कपड़े में आग लग जाएगी और आपका शरीर थर्ड डिग्री बर्न टॉर्चर सह रहा होगा। आसपास के पेड़ पौधे में तो आग लग चुकी होगी। देखते ही देखते कुछ सेकंड में 10.3 तीव्रता वाला भूकंप आ जाएगा, ऐसा पुर्डूस का कैलकुलेशन है। और ये भूकंप इतना भयंकर होगा कि ऐसा इतिहास में कभी देखा नहीं गया होगा। सारी बिल्डिंग्स, डैम, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े को अपनी जगह से खसकते हुए आप देखेंगे। हवा 5,850 माइल पर आवर की रफ्तार से घूमने लगेगी, जिससे कार, पेड़ हवा में उड़ते हुए दिखेगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि पृथ्वी के पिछले 4 अरब सालों में ये अनुमान लगाया गया है कि हर 370 मिलियन सालों में ऐसा कोई घटना घटेगा। डायनासोर्स ने 2300 लाख साल के लिए पृथ्वी पर राज किया। इस बात का हमें तब पता चला जब डायनासोर्स का पहला फॉसिल मिला, पर अब तक का सबसे यंग फॉसिल 660 लाख साल पुराना है। डायनासोर्स के साथ रहने वाले कई जीव जैसे मोसासोरस, इस्थायोसोरस, प्लेसियोसोरस और सभी उड़ने वाले रिप्टाइल्स जैसे प्टेरोसोरस सभी खत्म हो गया। इन सब के साथ उस वक्त के पेड़ पौधे भी जलकर बर्बाद हो गए। बस छोटे जीव जैसे मैमल, बर्ड, स्मॉल रिप्टाइल, मछलियाँ बच गई। एक बहुत ही फेमस थ्योरी एल्वरेज हाइपोथेसिस, जिसका नाम लुइस और वॉल्टर एल्वरेज के नाम पर रखा गया है।